So hello guys, here is Veer Singh and welcome to the channel. If you are new in the channel, subscribe the channel, like all the videos and press the bell icon for all the updating videos. तो guys, इस वीडियो में हम आपके लिए एक सरप्राइज लेके जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है. मैं वहाँ जाके उसकी खूबियाँ भी बताऊँगा और क्या बोलते हैं सबकी सरप्राइज चीज़ बताऊँगा जो आपके लिए लेके जा रहा हूँ उसकी खूबियाँ बताऊँगा सब चीज़ आपको बता दूँगा. तो वहाँ पहुँच के अब बात करते हैं आपसे. बाय बाय. तो गाइस फ़िलहाल हमारे सारे दोस्त लोग आ चुके हैं और हम लोग निकलने वाले हैं. ये आप लोग देख सकते हैं हमारे सारे दोस्त आ चुके हैं. सब लोग आ गए. अब बस हम लोग कुछ ही देर में निकलने वाले हैं. तो पहुँच के फिर हम लोग बीच में आपसे बात करेंगे, कुछ सीन वीन आपको अच्छा दिखाएंगे. अब पहुंच के डायरेक्ट बात करते हैं. बाय. तो गाइस अभी आपके लिए सरप्राइज रेडी हो चुका है. तो अब मैं जो सरप्राइज था वो आपको रिवील करने वाला हूँ. सरप्राइज मेरे सब दोस्त लोग यहीं पे हैं, मैं रिवील करने वाला हूँ वो सरप्राइज. तो आप लोग देखिए, अब देखिए आप देख सकते हैं ये सारे आम है, यही सब आपके लिए सरप्राइज है. तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब तो मामूली आम है तो इसको क्यों दिखा रहा है सरप्राइज में. तो ये सब मामूली आम नहीं है, बहुत रेयर प्रजाति के आम है. ये सब मतलब यहाँ नहीं पाए जाते हैं, सब जापानी में पाए जाते हैं. तो ये सब यहाँ तो मिलते नहीं है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जबलपुर में ये सब आम पाया गया था. इसलिए फिर जब उन्होंने देखा यहाँ के ओनर ने, तो उनको पता चला ये तो वही वाला आम है जो हमारे मतलब गार्डन में लगा हुआ है. तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग को भी दिखाया जाए, इसकी खूबियाँ बताया जाए. इसको अभी वो मियाँ खाजी के मतलब नाम से जाना जाता है इस आम को. ये सब जापान में मिलता है और जापान में भी ऐसे नहीं मिलता, मतलब इसको ऑर्डर दिया जाता है तब इसको लगाया जाता है इस आम को. और आप देख सकते हैं इस आम के लिए ये बॉडीगार्ड्स अंकल लोग हैं. फिर यहाँ पे एक डॉग भी रखा गया है ताकि कोई आम वाम लेके जाए ना. और ये देखिए ये आम, ये हैं आम. और ये आप देखिए वो डॉग्स हैं और ये सब बॉडीगार्ड अंकल लोग हैं इस आम के, ये सब सुरक्षा के लिए ताकि कोई लेके ना चल जाए, इसलिए बॉडीगार्ड अंकल लोग को लगाया गया है डॉग्स को. ये है आम, मैं दिखाता हूँ आपको. एक था गिर गया. हाँ ये आप देख सकते हैं, ये आम पूरा अच्छी तरीके से पक चुका है. देख सकते हैं ये गुलाबी कलर का है. ये अभी पिंक कलर का, शायद आपको सन की रोशनी की वजह से दिखे ना, ये पिंक कलर का भी आम है. तो इसकी खासियत यही है कि इसके वन आम का कॉस्ट है 1 लाख रुपीज. वन पेयर का आम का कॉस्ट है 1 लाख रुपीज. तो आप समझ सकते हैं कितना रेयर आम है ये. तो आप समझ सकते हैं गाइस कि ये आम जो है वो कितना रेयर आम है. इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग को भी दिखाया जाए. अभी बहुत न्यूज वूज फैल रही थी, अभी भी कुछ रिपोर्टर लोग आएंगे यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह लेने. तो आप देख सकते हैं कितने मतलब रेयर आम है जो पाए गए हैं धनबाद सिटी में. ये आप देख सकते हैं हम लोगों ने काफी मेहनत की है यहाँ पे. मतलब हम लोग यहाँ पे बहुत देर से थे, तब बहुत देर बाद हम लोग को परमिशन मिला. हम लोग ने बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट वगैरह लिया है. इसलिए गाइस प्लीज सब्सक्राइब करें, मैंने इतना सारा मेहनत किया, प्लीज एक सब्सक्राइब कर दे जो आपके लिए फ्री है. ये आप देख सकते हैं सारे आम, मैंने आप लोगों के लिए इतना सारा मेहनत किया. ये आप देख सकते हैं यही सब आम है, ये वाले आम ये देख सकते हैं. ये देखिए यही वो सब आम है. इस छू के बड़े नसीब वाले हम. एक आम का कॉस्ट है 1 लाख रुपीज, जो बहुत मुश्किल से हमें छूने मिल रहा है. ऐसे ही अंकल लोग मना कर रहे थे, पर कोई बात नहीं, हम छू पा रहे हैं. मेरे सारे दोस्तों का बहुत आनंद आ रहा है, 1 लाख रुपए के आम मुझे छूने को मिल रहा है. भाई बड़ा नसीब वाला इंसान हूँ मैं, 1 लाख रुपए का आम छूने मिल रहा है. ये आप देख सकते हैं सारे आम, बॉडीगार्ड अंकल लोग हैं. तो यही थी आप लोग की सरप्राइज. तो थैंक यू इस ब्लॉग को पूरा देखने के लिए, प्लीज एक लाइक कर दीजिए और एक सब्सक्राइब. तो अभी हम जब जाएंगे कार में तब आपको दिखाएंगे. तब तक के लिए बाय बाय. फल बस जिज्ञासा पूर्वक यहाँ आम को देखने हुए आए हैं. लगातार कई दिनों से इस रीत में काफी लोग आ रहे हैं आम को देखने के लिए, किस तरह का आम है, क्यों इसकी कीमत इतनी ज्यादा है, क्यों इसकी इतनी ज्यादा है. कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं कि इन्हें क्या जिज्ञासा रही और क्या कौतूहलता रही. बताएं कि आप आम की सूचना आपको कैसे मिली और क्या किस तरह आप देखते हैं. मुझे आम की सूचना जब मैंने न्यूज में देखा और यूट्यूब में देखा कि जबलपुर के जो आम है वो धनबाद में पाए गए हैं, तो भी मैंने सोचा कि जब मैं वीडियो बनाते हैं तो मैं यहाँ का वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर. अच्छा, आप वीडियो बनाते हैं? हाँ. अच्छा, वीडियो ब्लॉग्स बनाते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं. हाँ, तो इस आम के लिए भी आप कुछ बनाना चाहेंगे? इस आम के लिए तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जहाँ तक कि मुझे पता चला है इसकी लाखों में कीमत है. और मतलब ये जबलपुर में पहले पाया गया था, इसका नाम कुछ मियाजाकी जो कि जापान में पाया जाता है आम, बाकी मैं यही जानता हूँ. तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इंटरनेट के ज़माने के, ये मौजूदा दौर के बच्चे हैं जिन्हें इंटरनेट से विशेष लगाव है, यूट्यूब से लगाव है. यूट्यूब पर ये वीडियो बनाते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में बताते हैं. और जब इनको जानकारी
कि धनबाद में जापानी आम अगर फला है तो हम उसके जाकर के देखते हैं और उस पर कोई एक वीडियो बनाते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को यह जानकारी मिले कि जबलपुर से चर्चित हुआ यह आम विदेशी आम धनबाद की धरती पर भी फला है। और आज आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से आप देख सकते हैं, साफ तौर पर देख सकते हैं कि धनबाद में जो कि खनिज के लिए जाना जाता है, जहाँ पर कृषि बाहुल्य क्षेत्र यह नहीं है या फलों की। तो गाइस अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं, तो अब देखते हैं, हम मेरे सारे दोस्त लोग जा रहे हैं अपने अपने घर, आप देख सकते हैं। तब तो अब चलिए बाय, अब मैं भी जाता हूँ, बहुत थक गया, जाके तुरंत सो जाऊँगा। मेरा मास्क रख ले, शाम में लेके आना। हाँ तेरे। तो चलिए गाइस, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगले व्लॉग में। व्लॉग को लाइक कीजिएगा। बाय बाय।